हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग अपेंडिक्स टू एग्जाम के बारे में जानेंगे जो रेलवे द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। फॉर हुम भाई, किस किस के लिए एग्जाम होता है, ठीक है, किस किस को एग्जाम देना होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भाई ये एग्जाम एक तो अकाउंट क्लर्क को देना होता है अगर वो प्रमोशन चाहता है। भाई अकाउंट क्लर्क को अगर JEE बनना है या आगे अकाउंट्स असिस्टेंट बनना है तो उसको ये एग्जाम पास करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम डायरेक्टली रिक्रूटेड JEE जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट को देना होता है। भाई जो भी RRB NTPC द्वारा डायरेक्टली रिक्रूटेड होते हैं JEE, उनको ये एग्जाम पास करना पड़ता है, ठीक है, परमानेंट होने के लिए। अगर वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये एग्जाम मैंडेटरी है JEE पोस्ट के लिए भाई, ठीक है। तो इस एग्जाम की और क्या क्या कंडीशन है और क्या इसमें सिलेबस वगैरह रहता है, मतलब कौन कौन से पेपर आपको देने पड़ते हैं, क्या कंडीशंस है, वो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में भाई, ठीक है। देखो, एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ सर्विस, कम से कम आपको 6 महीने आपकी जॉब में हो जाने के बाद आप ये एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो। मतलब 6 महीने की आपकी अगर जॉब हो जाती है JEE की, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। दिस एग्जाम कंडक्टेड बाय हेड ऑफ इच ऑफिस, हर ऑफिस के हेड द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। भाई इसमें 3 एग्जाम होते हैं भाई टोटल। एक तो एग्जाम होता है हमारा एलिमेंट्री बुक कीपिंग और डबल एंट्री बुक कीपिंग का। भाई ये अकाउंट्स का सिलेबस रहता है हमारा, 11th 12th के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। डिटेल सिलेबस आप नेट से भी चेक कर सकते हो, वो मिल जाएगा आपको। दूसरा भाई पेपर होता है जर्नल रूल एंड प्रोसीजर, विच विल इंक्लूड अ कंपल्सरी क्वेश्चन ऑन ड्राफ्ट लेटर। आपको ड्राफ्ट लेटर फ्रेम करना आना चाहिए भी, इसके ऊपर एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तीसरा जो एग्जाम होता है वो होता है पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। भाई कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है, जिसमें मान लो आपकी ड्यूटी लग गई मे बी, उसके ऊपर ही एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है। मान लो एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोविडेंट फंड, PF वगैरह में या एस्टेब्लिशमेंट में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो उससे रिलेटेड एग्जाम आपको देना पड़ेगा, या स्टोर अकाउंट से रिलेटेड, या जर्नल एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड, या वर्कशॉप अकाउंट से रिलेटेड। मतलब जो भी आपको सुटेबल लगे उसके हिसाब से भी, पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग और भी है इसमें एक दो, उनके ऊपर आपको देना होता है। अभी मान लो आपकी ड्यूटी वर्कशॉप में लग गई तो वर्कशॉप का कार्य आपको पता है, कैसे कैसे क्या करना होता है, क्या वहाँ पे प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, तो सब आपको वहां पे नॉलेज होगी, तो उसके ऊपर आप ये पेपर थर्ड आपको देना होता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एग्जाम में क्या क्या कंडीशन है भाई, आपको 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे मैक्सिमम मार्क्स के टू पास। मतलब इस 100 नंबर का अगर पेपर है एक, मतलब 3 पेपर होने हैं टोटल, 100 100 नंबर के हैं मान लो, तो 40 40 नंबर हर एग्जाम में आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, इस को पास करने के लिए, अपेंडिक्स टू एग्जाम को पास करने के लिए। मतलब तीन, ये समझ लो उसके सब सेक्शन है, तीनों में 40 40% नंबर आपको लेने पड़ेंगे। अगर भाई कोई बच्चा 50% नंबर ले आता है किसी सब्जेक्ट में, मान लो 3 पेपर हैं टोटल, तीन में से एक में 50% है, ठीक है, बाकी के जो रह गए दो उनमें आप हो जाते हो फेल भाई, 40% से कम नंबर है। तो ऐसे में होगा क्या, आपको ये जो पहले वाले एग्जाम में 50% आए ना, ये एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा, बाकी के 2 नंबर और 3 नंबर जिनमें आप फेल हो गए हो वो आपको दोबारा देने पड़ेंगे, ठीक है, दोबारा देने पड़ेंगे। बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब हम लोग जानते हैं भाई जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को कितने चांस मिलते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, वो सब जानते हैं भाई। JEE को टोटल 3 चांस मिलते हैं भाई, एक स्पेशल चांस है और 2 चांस नॉर्मली मिलते हैं सबको, ठीक है। JEE गेट्स ओनली 2 चांस, उसको 2 चांस मिलते हैं भाई 3 साल की सर्विस के अंदर अंदर। मतलब भाई 3 साल तक आप जॉब करते रहो आराम से,
आपको इन विद इन 3 ईयर आपको ये दो मौके या दो चांस मिलेंगे अपेंडिक्स टू एग्जाम को क्लियर करने के। अगर आप पास हो जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं होते हो तो आपको भी स्पेशल रिकमेंडेशन पे, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन पे एफए एंड सीओ की, एफए और सीएओ की, एफए मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर एंड सीएओ मतलब चीफ अकाउंट ऑफिसर, इनकी रिकमेंडेशन पे भाई जीएम आपको एक तीसरा चांस दे देगा और आपको एक साल और प्रोवाइड कर देगा कि भाई आपको एक साल का टाइम और दे रहे हैं, ठीक है आप ये एग्जाम क्लियर कर लो भाई, ठीक है। मतलब कुल मिला के 3 चांस मिलते हैं, 2 चांस तो फेयरली मिलते ही मिलते हैं, एक आपको रिकमेंडेशन पे दोबारा से या रिक्वेस्ट करके मिल जाता है, क्लियर है। अगर आप भाई तीनों चांसों में फेल हो जाते हो तो भाई आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपको जॉब से रिलीव कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा परमानेंटली भाई, फिर कोई अपील नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये अकाउंट्स क्लर्क होते हैं, आई थिंक ये ग्रुप डी में आते हैं, तो इनको मिलते हैं भाई टोटल 10 चांस, ठीक है, क्योंकि इनको तो प्रमोशन के लिए एग्जाम देना होता है, इनको मिलते हैं टोटल 10 चांस भाई। 5 चांस तो फेयरली मतलब जो सबको मिलने होते हैं वो तो मिलते ही हैं इनको 5, फिर उसके बाद 3 चांस एफए और सीओ द्वारा दिए जाते हैं इनको रिक्वेस्ट करने पे, एप्लीकेशन डालने पे, फिर 2 चांस भाई ये लोग जीएम से भी ले सकते हैं रिक्वेस्ट करके, क्लियर है बात इनकी। अगर भाई ये एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो इनको जॉब से नहीं निकाला जाता, जैसे JAA को तो जॉब से ही निकाल दिया जाता है, इनको जॉब से नहीं निकाला जाता, इनकी बस प्रमोशन रुक जाती है, मतलब ये अकाउंट क्लर्क की पोस्ट पे ही रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर भाई आपको और कुछ इस वीडियो के रिगार्डिंग जानना है, मतलब इस अपेंडिक्स टू एग्जाम के रिगार्डिंग जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से जो जो मेन मेन पॉइंट थे वो सारे आपको क्लियर कर दिए हैं, इसके अलावा इसमें कोई लूपहोल नहीं है, ठीक है। थैंक यू भाई।